बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने शुगर के इन्वर्जन के बारे में पढ़ना है या इन्वर्ट शुगर के बारे में पढ़ना है। बेसिकली ये भी ऑप्टिकल रोटेशन का फिनोमिना है। इसमें क्या होता है, म्यूटा रोटेशन में क्या होता था कि जो ऑप्टिकल रोटेशन होती थी वो चेंज हो जाती थी। ग्लूकोज के केस में जो है ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाती रहती, डेक्स्ट्रो रोटेटरी थी, लेकिन वो क्या हो जाती थी, चेंज हो जाती थी। अगर उसकी अल्फा ग्लूकोज के केस में 112.2 डिग्री सेंटीग्रेड जो ऑप्टिकल रोटेशन थी, लेकिन वो 52.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाती। लेकिन इन्वर्ट शुगर के केस में क्या होता है, जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑप्टिकल रोटेशन होती है वो चेंज हो जाती है इनटू लीवो रोटेटरी। दैट फिनोमिना इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ शुगर, या फिर एज ए रिजल्ट जो शुगर बनेगी दैट शुगर विल बी कॉल्ड एज इन्वर्ट शुगर। यहाँ देखते हैं द प्रोसेस ऑफ चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो रोटेटरी टू लीवो रोटेटरी, दिस इज रेफर्ड एज इन्वर्जन। ठीक है, इसमें क्या है, एक मोनोसेक्राइड या शुगर की जो कह लें कि ऑप्टिकल रोटेशन थी वो क्या थी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, उससे वो क्या हो गई, चेंज हो गई इनटू लीवो रोटेटरी। अगर हम सुक्रोज को देखते हैं, सुक्रोज की वैसे ऑप्टिकल रोटेशन जो है +66.5 डिग्री होती है, लेकिन जब इसको हम क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड की मौजूदगी में इन एक्वस कंडीशन या फिर सुक्रेज इंजाइम की मौजूदगी में इसकी क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं या फिर ब्रेक डाउन कराते हैं। ठीक है, क्या कराते हैं, हम डाइल्यूट एसिड की मौजूदगी में या फिर सुक्रेज इंजाइम की मौजूदगी में इसकी क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस से मुराद हमारे पास जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है उसको हम क्या कराते हैं, ब्रेक करवाते हैं। अब सुक्रोज को देखते हैं, सुक्रोज बेसिकली ये क्या है, डाइसेक्राइड है। किसका डाइसेक्राइड है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। यहाँ अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से क्या कर रहे होते हैं, लिंक कर रहे होते हैं, और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है दैट इज अल्फा बीटा 1-1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। जब हम इस बॉन्ड को क्या कर देते हैं, ब्रेक करा देते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, और इसको हमने क्या रखा हुआ है, किसी एक्वस मीडियम के अंदर रखा हुआ है, तो क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज जिसकी ऑप्टिकल रोटेशन 112.2 डिग्री डिग्री होती है, ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है कि अल्फा डी ग्लूकोज पहले ये कन्वर्ट होगा ओपन स्ट्रक्चर में, ओपन ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में जब कन्वर्ट होगा तो ये फिर उसके पास फिर चांसेस होते हैं कि ये अल्फा डी ग्लूकोज में दोबारा भी कन्वर्ट हो सकता है और बीटा डी ग्लूकोज में भी कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद ओवरऑल जो कह लें कि ऑप्टिकल रोटेशन हमारे पास आ जाती है उसकी वो 52.2 डिग्री आ जाती है इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर की। और बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज या फ्रुक्टोज जो है ये भी हमारे पास क्या है, लेस स्टेबल होता है। ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर में क्या हो जाता है, इजीली ये कन्वर्ट हो जाता है बीटा डी फ्रुक्टो पायरानोज के अंदर। मीन कीटो शुगर जो है बीटा फॉर्म, इसकी क्या होती है, लेस स्टेबल होती है, ये कन्वर्ट हो जाती है बीटा डी फ्रुक्टो पायरानोज के अंदर। और इसकी ऑप्टिकल रोटेशन जो है, रिजल्टेंट जो मिक्सचर बने, रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट बनेगी इससे, या इससे जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगी इसकी ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, -52 डिग्री। तो अब हम ओवरऑल जो हमारे पास सोल्यूशन होगा या मिक्सचर होगा उसमें अगर हम देखते हैं तो अल्फा डी ग्लूकोज भी एग्जिस्ट कर रहा होता है, बीटा डी ग्लूकोज भी एग्जिस्ट कर रहा होता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट कर रही होती है बीटा डी फ्रुक्टो पायरानोज जिसकी ऑप्टिकल रोटेशन -92 डिग्री होती है, और बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरानोज भी क्या कर रहा होता है, एग्जिस्ट कर रहा होता है।
तो ओवरऑल इसकी जो मिक्सचर की ऑप्टिकल रोटेशन आ जाती है हमारे पास -28.2 डिग्री। अब पहले क्या थी हमारे पास ऑप्टिकल रोटेशन, क्या थी 66.5 थी। जब हमने इसकी हाइड्रोलिसिस की 66.5 पहले हमारे पास क्या थी ऑप्टिकल रोटेशन, जब हमने हाइड्रोलिसिस की इन एक्वस कंडीशन में उसकी हाइड्रोलिसिस कराई तो ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो गई 28.2 हो गई। दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ शुगर। थैंक यू।